बलरामपुर थाना महाराजगंज तराई क्षेत्र के हरिहर नगर में निजी स्कूल में लकड़ी के खंभे के सहारे विद्युत आपूर्ति की गई थी। 72 घंटों से हो रही तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के चलते लकड़ी के खंभे में करंट उतर आया था। निजी स्कूल के लिए बिजली आपूर्ति ली गई थी। तेज हवाओं बारिश के चलते लकड़ी के खंभे गिरने के कगार पर थे। शनिवार सुबह 8 बजे वीरेंद्र यादव लकड़ी पोल को सीधा करने के लिए खंभे के पास गए। इसी बीच खंभे में करंट था, छूते ही वीरेंद्र यादव उससे चिपक गए। बड़े भाई को खंभे में चिपका देख छोटा भाई अनूप यादव उसे छुड़ाने के लिए खंभे के पास पहुंच गया। इसी दौरान अनूप भी खंभे से चिपक गया। हादसे को देखकर ग्रामीण स्थानीय सब विद्युत स्टेशन महाराजगंज तराई पर फोन कर आपूर्ति बंद कराई। दोनों सगे भाई बुरी तरह झुलस कर घायल हो चुके थे। आसपास के लोगों ने घायल युवकों को जिला मेमोरियल अस्पताल बलरामपुर लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने देखकर मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से गांव में कोहराम मच गया है। दोनों मृतक पूर्व जिला पंचायत सदस्य व सपा नेता जोखू यादव के पुत्र हैं। घटना महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र के रामस्वरूप पूर्वा गांव में घटित हुई। थाना महाराजगंज तराई के हरिहर नगर के रहने वाले जोखूराम यादव, उनके दो बेटे अनूप यादव और वीरेंद्र प्रताप सिंह। अनूप यादव जिसकी उम्र 32 साल है और वीरेंद्र प्रताप जिसकी उम्र 40 साल है, तो एक पोल से तार टूट जाने के कारण बिजली का करंट आ गया था। तो अनूप यादव उसकी चपेट में आ गए। उसको बचाने के लिए उनके बड़े भाई वीरेंद्र प्रताप भी उसमें चपेट में आए। दोनों लोगों को जिला मेमोरियल चिकित्सालय लाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा दोनों को मृत घोषित किया गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वगैरह सब देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।